आप रोकने वाले कौन होते हो? बीबीए फिर रही है आप, हमारी वीडियो टिकटॉक वाले नहीं है ये। भाई मेरी बात सुनो, अगर अगर कोई हक की बात कर रहा है। असलम नाजरीन, लाइट इन्फो टी वी की से मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान अली और आप देख रहे हैं लाइट इन्फो टी वी। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ बुद्ध बाजार में, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या प्राइसेस हैं, महंगाई के रिलेटेड यहाँ पे लोगों की क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो कि रेडी पे वो मजदूरी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है? शहबाज। कैसे कैसा गुजारा हो रहा है आपका यहाँ? बस काम चल रहा है माड़ा मोटा ही, तो बहुत निज़ाम ख़राब है हले। कैसा निज़ाम आपका ख़राब हो? कारोबार बचत हो रही है आपको इसमें? पूरे करी इधर हो, कदे पूरे हो गए कदे ना हो, बचत तो कोई आ ही नहीं रही। बहुत निज़ाम आउट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बात कर रहे इधर आए हमें बस ठीक बात करनी है। छोड़ दे, क्यों बात होगी? आपको मना करने आए, वीडियो बंद करें, बाजार में अलाउ नहीं है। मतलब किस चीज़ को लेके? दफा 44 आपको नहीं मतलब? अच्छा, तो मैं आपसे बात इसको बाहर नीचे करो ना यार, को समझ नहीं आ रही। पब्लिक बेस है बंद करने वाले, आप रोकने वाले कौन होते हो? बीबीए फिर रही है आप, हमारी वीडियो टिकटॉक वाले नहीं है ये। भाई मेरी बात सुनो, अगर अगर कोई हक की बात कर रहा है तो उसको सुनो। ये क्या चीज़? पहली बात ही इंतजामिया से आके मिले फिर ये काम करें। माइक के साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं? माइक के साथ क्यों है? क्यों हो गया माइक के साथ? क्यों है ये चैनल नहीं है? चैनल छोटे छोटे भी होते हैं, ये टिकटॉक बनाने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है चैनल टिकटॉक वाले हैं? आप हम ऊपर से तो नहीं लेके आते, यहाँ से खरीद के ले जाते। बंद हो गया? अच्छा, पता ही नहीं है आपको? पता ही नहीं है? ओ भाई बात सुनो, तुम्हें सिक्योरिटी पे रखा किसने? उसको इतनी अकल नहीं है रखने वाले को? ये आवाम की आवाज़ किसी चैनल को दबा नहीं सकते आप। भाई आप किसी चैनल को दबा नहीं सकते, जो भी भाई कुछ कड़वी होती है कुछ मीठी होती है। टिकटॉक बंद थी भाई। अच्छा बंद कर देते हैं। अच्छा बंद कर दे, बंद कर दो। अगर ये पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं ना, पड़ो मुझे बताओ। जाओ मौलवी साहब जाओ काम करो, बच्चे लेट होने में। अच्छा चलो ओए हजरत, आप लोग गलत कर रहे हो, आवाम की आवाज को कैसे दबा सकते हो? दसो यार रन कार्ड करो मौलवी साहब, छोटा सा इंटरव्यू, रन कार्ड कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ पे कुछ नजायज कर रहे हैं? नहीं नहीं मुझे नहीं नजर आया क्या? हमारे काम से किसी को कोई तकलीफ? हम तो ना किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं ना किसी पे चीख। पॉलिटिशियन के अलावा भी आप अगर मुल्क की सलामती के लिए कोई ऑप्शन की बात करें तो उसमें समझ आती है। अगर आप मुल्क के लिए कुछ भी अच्छा करें, वो खा छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, तो उसके लिए आपको हक हासिल है। गरीब की आवाज़ के लिए आपको कोई कार्ड चाहिए? एक चीज़ ये है कि आप इसको जितनी भी रिकॉर्डिंग है इसको गलत यूज़ ना करें, ये प्लीज़ आपको मैं कहता हूँ। इसमें आप अवेयरनेस लाएं, आप लोगों को बताएं, आपको नजायज़ कर रहा है तो उसको ओपन करें, ये आपका हक है और होना भी चाहिए। जो भी नजायज़ हो रहा है उसको रोकना चाहिए, वैसे भी मुसलमान का फ़र्ज़ है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। इसमें अगर कोई अच्छा करता है कोई भी हो, हमें किसी से कोई लिंक नहीं है। अगर पूरी मीडिया हर जगह पे पहुंचे तो मुमकिन ही नहीं है। ये छोटे छोटे जो जितने भी आपके हैं वो सारे खबरें पहुंचाते हैं। आपको पता कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जैसा कि मेरी इस टाइम स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ और कैसे यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो। अगर मैंने देखा कि आपने कोई रॉन्ग सवाल नहीं किया, पब्लिक इशू पर आपने बहुत की, आपका हक है करना चाहिए। इसके बगैर तो यहाँ पे जंगल का कानून बन जाएगा ये। तो अगर अवेयरनेस नहीं होगी, अगर मुतलका लोग इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे हुक्मरान इस तरह के रहे हैं, वो अपने मतलब की बातें ओपन करते रहे हैं, दूसरों की बातों को दबाते रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नजायज़ है, ठीक है ना। जो भी महंगाई का मामला है, मैं पीस चुका हूँ, आप पीस चुके हैं, सारे पीस चुके हैं, मुतलका जितनी भी हुकूमत है उनको अकल के नाखन लेने चाहिए कि किसी आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, किसी आदमी का घर चल नहीं रहा, चूल्हा नहीं चल रहा, तो ये ज्यादती कब तक चलेगी?
चलें जी, आपका बहुत सारा थैंक यू। तो अभी हम नाज़रीन यहाँ पे कुछ किसी दूसरे को देखते हैं। हमारे साथ एक बाबा जी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायत मोहम्मद है। माशाल्लाह, आप इतने बूढ़े हो गए हैं तो क्यों आप ये मेहनत कर रहे हैं? क्या करें फिर, मजबूरी है, करना पड़ता है। ना करिए तो खलौंदे बह बह के बीमार हो गए है भाई। क्या मजबूरी है आपको? मजबूरी महंगाई है, क्या कर रहे हो? 400 रुपया मैं 100 रुपये किलो आटा हो गया है। चलो अल्लाह आपकी मदद करे। हाँ, कोई बात नहीं। जरी गोशा बाप की रहशी हूँ। अच्छा, तो यहाँ आप 23 साल की उम्र आपकी, तो यहाँ पे लंडे पे यहाँ पे जो आपने स्टॉक लगाया जी, कैसा सिस्टम चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक सोनी रोजी दे रहा है। पहले आपका कैसे गुजारा होता था, तो अब कैसे है? कोई काम में कोई कमी? थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, जैसे महंगाई हुई है ना, उस वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, निज़ाम यानी कि सही चल रहा है। आपका गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है, लेकिन वो जो पहले वाली बात थी ना, वो बात नहीं रहेगी, अब सिर्फ ज़रूरियात पूरी हो रही है। इसकी क्या वजह है कि क्यों नहीं वो पहले वाली बात रही? महंगाई बहुत हो गई है अभी, माल हमारे इतने महंगे हो गए हैं। पहले हम 1,00,000 रुपये का जो माल लेके आते थे, वो इस टाइम हमें मिल रहा है 2,50,000 का उतना ही माल, और कस्टमर को हम रेट बताते हैं, अगर 100 रुपये ज़्यादा बताते हैं तो मार्जिन भाई, पहले आप रेट 100 रुपये सस्ता था, अब रेट क्यों ज़्यादा है? उसको बताते हैं अभी माल महंगा हो गया, लेकिन वो कहते हैं नहीं भैया, हमें उसी रेट पे माल दो। तो बहुत मुश्किल हो गया अभी कारोबार करना ना, अभी बहुत मुश्किल हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पर आपने देखा, तो अभी हम किसी दूसरे भाई से बात करते हैं और देखते हैं।